तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म करो। गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। तो सुबह का टाइम है गाइस, सुबह का 5:30 या 5 बजे मैं उठती हूँ। और इतना सुबह इसलिए उठती हूँ गैस, क्योंकि 8 बजते मेरा सारा काम हो जाता है और उसके बाद मैं नहा के आंगनबाड़ी चली जाती हूँ। और अगर जितना जल्दी काम हो जाता है गैस, तो नाश्ता वगैरह भी बना लेती हूँ। और थोड़ा लेट हो जाता है तो नाश्ता वगैरह नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि 8 बजे से मेरा आंगनबाड़ी रहता है गैस। तो इसीलिए मैं 5 या 5:30 बजे उठती हूँ तो सारा काम हो जाता है, जैसे कि बर्तन वगैरह, झाड़ू वगैरह और पोछा, ये सब सारा काम करके दे देती हूँ बेटी को। और उसके बाद बेटी खाना बनाती है गैस। तो देखिए गैस, मैं चूल्हा वगैरह जला लेती हूँ। चूल्हा जलाने के बाद मैं आंगन का झाड़ू लगा ले रही हूँ और थोड़ा बहुत आंगन में घास हो गया है गैस। तो अभी टाइम नहीं मिल रहा है साफ़ करने के लिए, क्योंकि अभी छुट्टी हम लोग का नहीं मिल रहा है गैस की, सिर्फ संडे को छुट्टी रहती है। तो संडे को छुट्टी रहती है तो उस दिन कपड़ा वगैरह धोती हूँ, और इसीलिए आंगन का अभी थोड़ा बहुत घास निकल आया है गैस। तो अभी घास साफ नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा सा बीज वगैरह लाई थी बोने के लिए गैस, परवल है और नेनुआ वगैरह है गैस। तो मैं सोच रही थी कि जिस दिन छुट्टी रहेगा उस दिन घास वगैरह थोड़ा बहुत साफ करके उसके बाद मैं बीज को लगा दूँगी, पर अभी टाइम नहीं मिल रहा पा रहा है। तो देखिए गैस, मैं प्लास्टिक वगैरह धो ले रही हूँ। उसके बाद मैं अंदर का झाड़ू अभी बाकी था गैस, अंदर अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, सिर्फ अभी बाहर का काम हो रहा था गैस। तो चूल्हा भी जल चुका था। चूल्हा जलाने के बाद मैं आंगन का झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा बर्तन बाकी था गैस धोने के लिए, तो इसीलिए मैं बर्तन अभी बाहर निकाल दे रही हूँ सहरा के पास। उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगाऊँगी, क्योंकि झाड़ू भी अभी बाकी था गैस। तो ठीक है गैस, मैं बर्तन वगैरह भी निकाल चुकी हूँ और बर्तन अभी निकाल दी हूँ गैस, अभी नहीं धोऊँगी। पहले मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद ही मैं बर्तन धोती हूँ गैस, क्योंकि बर्तन तो तुरंत धुल जाता है। तो देखिए गैस, मैं अभी किचन का झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि चूल्हा जल चुका था और आंगन का भी झाड़ू लग चुका है गैस। तो इसीलिए मैं पहले किचन का झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ, उसके बाद पोछा लगा लूँगी, क्योंकि चूल्हा वगैरह रखना पड़ता है गैस। तो इसलिए मैं पहले किचन का ही पोछा वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि चूल्हा लग रख के उसके बाद नाश्ता वगैरह बनता है गैस। तो देखिए, मेरा यहाँ झाड़ू लग चुका है और अभी पोछा लगा ले रही हूँ, और उसके बाद अंदर का पोछा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि अंदर भी बाकी था अभी झाड़ू पोछा करना। और झाड़ू लग चुका था अंदर भी, पर पोछा नहीं लगा हुआ था गैस। तो इसलिए मैं पहले किचन का पोछा लगा ले रही हूँ, क्योंकि मेरा चूल्हा भी जल चुका था। तो इसलिए मैं पोछा पहले किचन का लगा ले रही हूँ, उसके बाद यहाँ चूल्हा रख दूँगी, उसके बाद मैं अंदर का पोछा लगाऊँगी गैस, क्योंकि सुबह सुबह पोछा वगैरह लग जाता है तो गैस तो अच्छा लगता है, खाना वगैरह बनाने में भी अच्छा लगता है। और जिस दिन पोछा लेट से होता है गैस, उस दिन अच्छा नहीं लगता खाना वगैरह बनाने में। तो मैं ज़्यादातर ही पोछा सुबह ही लगाती हूँ, और सुबह लगाती हूँ तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि नहा के मैं अगरबत्ती वगैरह जला लेती हूँ गैस। और बासी घर में क्या बोलते हैं कि बासी घर में झाड़ू अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाना चाहिए, तो इसीलिए मैं सुबह उठती हूँ तो सारा काम पहले आंगन का बाहर का काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद अंदर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ गैस। और तब तक झाड़ू पोछा होता है तब तक मेरा चूल्हा भी जल जाता है, तो यानी सारा काम मेरा जल्दी जल्दी हो जाता है गैस सुबह सुबह। और अब इसीलिए देखिए, मेरा सारा रूम जो भी था ब्रांड ऑफ गैस, सारा मेरा अंदर का रूम भी हो गया था। और अंदर का रूम पहले मैं पोछा लगा ली, उसके बाद मेरा बीच का रूम का पोछा लग गया गैस, उसके बाद मैं बरामदा का पोछा लगा ले रही हूँ,
और यहाँ मैं कपड़ा सुखाती हूँ गैस, क्योंकि अभी पानी रोज़ ही पड़ रहा है, तो जिसके कारण बाहर में कपड़ा नहीं सूख पाता है, सिर्फ पानी गिरता है गैस, तो इसलिए बरामदा में टंगना बनाई हूँ। और यहाँ मैं पंखा चालू कर देती हूँ गैस, तो कपड़ा यहाँ सूख जाता है हवा से। तो देखिए गैस, मेरा उधर का सारा पोछा लग चुका है, सिर्फ यहाँ का बरामदा का पोछा लगा रही हूँ, और उसके बाद मैं नहा लूँगी गैस, और उसके बाद ही आंगनबाड़ी जाऊँगी, और सुबह सुबह सारा काम हो जाता है तो अच्छा भी लगता है, और टेंशन भी नहीं रहती है कि अभी काम बाकी है गैस। तो देखिए, मेरा इधर का पोछा भी लग चुका है, और सिर्फ बर्तन वगैरह धोना बाकी है गैस, थोड़ा सा और बाकी था, और मैं चूल्हा में पोड़ा वगैरह डाल दी थी, और चूल्हा की लिपाई भी कर दी थी गैस, और उसके बाद पोछा थोड़ा बहुत और बाकी था तो लगा ले रही हूँ। उसके बाद मैं बर्तन धोऊँगी, क्योंकि बर्तन अभी बाकी था धोने के लिए, और उसके बाद ही नहाऊँगी। और पोछा वगैरह लगा हुआ रहता है गैस, तो नहा के मैं अगरबत्ती भी जला लेती हूँ, और मेरा डेली का रूटीन हो गया गैस, सुबह सारा काम करके नहा लेना, नहा के अगरबत्ती वगैरह जला लेती हूँ। और जिस दिन अगर नहीं नहाती हूँ गैस के कारणवश, जैसे कि पानी वगैरह सुबह सुबह नहीं चलता है, जैसे पानी वगैरह नहीं रहता है, और तो मैं नहीं जला पाती हूँ, क्योंकि पानी नहीं रहता है गैस, तो नहा नहीं पाती हूँ, तो अगरबत्ती भी नहीं जला पाती हूँ। और वैसे तो इसे भी पानी अभी डेली दे रहा है गैस, अभी डेली ही चल रहा है, और वर्षा का पानी भी हो रहा है, तो उसी से छान के भी थोड़ा सा रख लेते हैं, तो मेरा काम हो जाता है। तो देखिए गैस, मेरा चूल्हा भी जल चुका है, और सारा घर आंगन मेरा साफ सफाई हो गया गैस, सिर्फ अब नाश्ता और खाना बाकी है, यानी मेरा टोटल जो भी सुबह का काम रहता है टोटल काम हो गया था, मेरा सिर्फ नहाना था। और तो देखिए गैस, मैं जब भी मेरा सारा काम हो जाता है तो पहले मैं चाय बनाती हूँ, और चाय बना के पी लेती हूँ गैस, उसके बाद फिर और कोई काम करती हूँ। तो देखिए गैस, मैं चूल्हे पे चाय चढ़ा दी हूँ, और आप जा रही चाय बनाने के लिए। तो देखिए गैस, मैं सारा काम करके नहा के अगरबत्ती वगैरह जला के आंगनबाड़ी आ गई हूँ तैयार होके, नाश्ता वगैरह नहीं बनाई, बट वह सारा काम करके आ गई थी गैस आंगनबाड़ी। इसके बाद 17, 18, 19, 20 ठीक है, फिर काका बोलो। देखिए गाइस, मैं स्कूल आ गई हूँ आंगनबाड़ी, और देखिए एक बच्चा इधर है, क्या कर रहा चंगड़ू, चलो चलो कहाँ भूत है? देखिए गैस, भूत है, कहाँ पे भूत है रे? आइए को डांस करे। और बच्चा सब कहाँ गया, कहीं है, बुला लेते हैं, ठीक ना? चलो चांगड़ू आओ, आओ चलो अंदर, चलो खाना बन जाएगा तब खाना, तब तक अभी खेलो, बैठो, हम भी बैठ रहे हैं। बैठ जा सब आएगा। तो देखिए गाइस, मेरा आंगनबाड़ी में अचानक तबीयत खराब हो गई, चाचू और मम्मी घर आ गए, तबीयत खराब, माथा दर्द दे रहा, ओ
गाय अचानक आंगनबाड़ी में तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण मैं छुट्टी करके बच्चा लोग को खिला के घर आ गई थी। और सर में बहुत दर्द थी और उल्टी वगैरह भी हो रही थी गाय, और बुखार टाइप का लगने लगा, और इसीलिए मैं दवा खा के उसके बाद सर में ठंडा वाला तेल लगा के सो गई थी। अभी थोड़ा ठीक लग रहा था तो इसीलिए बाबू पूछ रहा था गाय, और बहुत ही दर्द थी तो जिसके कारण मैं आंगनबाड़ी से थोड़ा जल्दी आ गई थी छुट्टी।